नमस्कार सुब्रतास किचन को आपण मानंकु बहुत बहुत स्वागत। आज आम गोटे ओडिया अथेंटिक रेसीपी जहनी आलु तरकारी बनैबा जहाँ को आपण माने उभय भात और रुटी सहित खाइपारे और खाइबापी बहुत टेस्ट लगे। तो जदि मो रेसीपी गुड़िक आपण मानक हेल्पफुल लगुच तेज मो वीडियो को लाइक आउ शेयर करूँ आम चैनल को सब्सक्राइब करनी आमती नुआ नुआ वीडियो गुड़िक देखापी सब्सक्राइब बटन पाखे छोट बेल आइकन को प्रेस करनी तेब आउ डेरी नक चलतु वीडियो टी स्टार्ट करिबा। जहनी आलु तरकारी बनैबापी मुझे दुईटा मीडियम साइज़र आलु को भल भाव धोईकी चोपा छड़ेकी लंबा लंबा कर रखी। तो आपण आलु को जेपर्यंत यूज करें एमती पानी ही भिजे रखिबे नहले आलु कला पड़ीजिव। ये मुझे जहनी चोपा को छड़ेकी भल भाव धोईकी एमती लंबा लंबा करके काटी नहीं। तो आपण जी आलु नौ तार डबल जहनी ने कहीं जहनी भाजला कमी जाए। आउ ये दुईटा मीडियम साइज़र प्याज को मुझे पूरा छोट छोट कर काटि रखी। गोटे मीडियम साइज़र पूरा पाचिला टमाटो को काटिक रखी। आउ गोटे इंच अदार चोपा छड़ेकी काटिक रखी। आउ 8-10 कुला रसुण चोपा छड़ेकी रखी। फर्स्ट आम टमाटो अदा आउ रसुण को गोटे ब्लेंडिंग जार दे कि ब्लेंड कर नबा। ये आम टमाटो अदा और रसुण ब्लेंड होगा आपको आम साइड कर दबा और गोटे कड़े को गरम करई चमच रिफाइन तेल देद आेल भल भाव गरम होगापर आम आलु को पानी रु छाण के आड करदे आ स्वाद अनुसार लुण देद एवं सबको टी मिक्स कर कभर करो फ्लेम कि समय सीझापी छाड़ीद आपड़ मझेरे मझेरे लिड ओपन करके आलु को टी मिक्स करदे नहले आलु पोड़ी जिबो। ए भाव में आपण आलु पूरा 70-80% सीझा पर्यंत आपण को कुक करेंगे। तो ये देखूँ मु मझे मझे लिड ओपन करके चेक करूली आठ आम आलु पखापाखि 80% सीझीगला आम आलु को बाहर कर देखु कड़े जो तेल बली जाइला मुझे जहनी को देदे आहनी को फ्राए कर नवा एवे एथिरे स्वाद अनुसार लुण देद आबुक मिक्स कर नवा। एवं आम जहनी को कभर करके मीडियम फ्लेम रे किसी समय सीझापी छाड़ीद। तो देखु कि समय पर जहनी ये पा बाहरी जाए आम आपको कभर न करके पूरा हाई फ्लेम रे पानी सुखा जाए कुक कर नवा ता भर जहनी आमर सीझीज। तो ये देखूँ जहनी आउ बिल्कुल भी पानी ना आउ जहनी आमर पखापाखि 80% सीझीगला। तो ये आम जहनी को गोटे प्लेट को बाहर कर नवा सेम कड़े को मुझे क्लीन कर दुई चमच रिफाइन तेल देद तेल भल भाव गरम होगापर हाफ टी स्पून जीरा देद आउ जीरा को फुटापी दबा। तो जीरा ये आमर फुटिगला आम छोट छोट कर काटि रखी पिज को देद आउ पियाजर कलर लाइट ब्राउन आसीबा जाए आम फ्राए कर नवा। देखु ये पियाजर कलर चेंज हो आसलाम कि सुखा मसला एड करवा मुझे हाफ टी स्पून हलदी गुंड दे दूची हाफ टी स्पून लंका गुंड आउ भल कलर आसवापी हाफ टी स्पून काश्मीरी लंका गुंड हाफ टी स्पून जीरा पाउडर आउ हाफ टी स्पून धनिया पाउडर दे कि सबको आम लो फ्लेम टी फ्राए कर नवा। एबे एथिरे आमे आगर बाटिक रखी टमाटो अदा और रसुण को देद ब्लेंडिंग जार को मुझे धोईकी अल्प किसी पा देदे एवं आम मसला को भल भाव कसई नवा। ये देखो मसला आमर हाल्का हाल्का कसई हो आसला मसला प्यान टे लगे आम अल्प किसी पा देखिए आपको कसई नवा। ये मो लीड को कभर करके मसला को कसौची। तो देखो ये मसलारू तेल छाड़ा स्टार्ट है मैंने मसला आम भल भाव कसई होगला आ मसलू बहुत बढ़िया बास्ना आसूरी एवं आम ग्रेवी अनुसार पा देद
मुझे गोटे ग्लास पा दूँ कहीं जहनि आलु तरकारी टी बहिया खावाप भल लगी था। ग्रेवी को देखिक आप स्वाद अनुसार लुण देदेवे। आम जहनि आलु फ्राए कला बेले लुण देते तो लुण ये आप देखिक आड करेंगे। ये आम पा भल भाव फुटिगला। एबे एथिरे आमे आगर फ्राए करके रखिथिबा जहनि आलु को दे दबा आउ आकु कभर करके मीडियम फ्लेम रे 7-8 मिनिट पर्यंत कुक करिबा बा जहनि आलु भल भाव सिझिबा पर्यंत आपण आकु कुक करिनेबे। तो पाखापाखि 7-8 मिनिट पर मु लीड ओपन करूछि। आउ एठी देखंतु तेल पूरा केमती ऊपर को पळे आसलानी। एठी हमरो जहनि आलु तरकारी पूरा पूरी रेडी हे गला। तो ए तरकारी को एबे आमे गरमा गरम सर्व करिबा। तो आपण आकु भात और रुटी उभय सहित खाईपरिबे। तो ये रेसिपी को आपण घरे थरे निश्चित ट्राए करंतु आ बने साला परे आपण को एटा केमती लागिला आपणकर एक्सपीरियंस आम सहित शेयर करंतु। आउ इमती आ नुआ नुआ रेसिपी गुडी को देखिबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब मध्य करिनियंतु। तो पुणी देखा हबा गोटे नुआ वीडियो रे। थैंक यू।